बहुत साल पहले मेरी नानी थी, बहुत अच्छी नानी, और वो मुझे बहुत सी कहानियां सुनाती थी। पता कहाँ कहाँ की कहानियां? अरब की, तुरान की, मिस्र की, हिंदुस्तान की, सारे जहान की कहानियां। कहानियों की इतनी बड़ी पोटली थी उनके पास, और एक 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 सारी कहानियां निकलती जाती थी। एक कहानी मुझे बहुत अच्छे से याद है, विहान, अब सुनना चाहोगे? अब बैठोगे बेटा? थैंक यू फॉर सिटिंग डाउन। ओके, मिस्र के छोटे से गांव में आलिया एक भला सा इंसान था। उसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन साद। क्या नाम था बच्चों? क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन साद। क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन साद जो था वो एक व्यापारी था। वो ऊँटों को पालता था। छोटा सा मकान था, बेगम से उनकी रुकैया बानो, और तीन बेटे थे। बड़ा बेटा था अहमद, बीच वाला बेटा था मोहम्मद, और तीसरा बेटा था मुकर्रम। हाँ आलिया, कितने बेटे थे? शो मी योर फिंगर्स, बताओ जल्दी से बताओ। अहमद, करो छोटा बेबी, करो। अहमद, मोहम्मद, मुकर्रम। अच्छा, अब अब्दुल्ला जी भी देखो, अच्छा है ना? कितनी लंबी सी दाढ़ी है, शो में कैसे दाढ़ी कैसे होती, दिखाओ दाढ़ी। इतनी लंबी सी दाढ़ी और लंबी सी टोपी, और टोपी के फिर पीछे तुर्रा। ये क्या है? तुर्रा। और ये नानी जी है। अब अब्दुल्ला जी जो थे वो ऊँटों को पालते थे और अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। बहुत अच्छे ऊँट थे उनके, सेहतमंद, अकलमंद, सफेद, खरगोश के जैसे सफेद ऊँट। अब साल में एक बार वो मवेशियों के मेले में जाते, और जो बड़ा अच्छा सेहतमंद ऊँट होता ना, उसको जाके बेच देते, और बेच के ना क्या कमाते थे? मनी, पैसा। क्या कमाते थे? पैसा। और वो पैसे लेके घर आते थे, और फिर पता विहान, जो उनके छोटे 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 बच्चे होते थे ना, फिर उसको पालते थे, प्यार करते थे, खाना खिलाते थे, ट्रेन करते थे, और फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते थे, फिर जाके उनको बेच आते थे। पिता गया, मोहम्मद जो था, अब्दुल्ला जो था वो बूढ़ा होता गया, और ऊंट जो थे वो बड़े होते गए। थोड़े सालों बाद अब्दुल्ला बिन साद ने बोला, सुनो बच्चों, मेरे पास आओ। खाना खाने के बाद रात को बोला, मेरी एक बात सुनो, रुकैया जान तुम भी आ जाओ, अहमद, मैं मोहम्मद, मुकर्रम, सबको बुलाया और बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी रहता हूँ, कभी भी अल्लाह का बुलावा आ जाएगा और मैं चला जाऊँगा, पर तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी सारी चीज़ों की एक वसीयत बनाई है, और मैंने वसीयत अनाज की कोठरी में किसी कोने में छुपाई है, ध्यान से ढूंढना, मिल जाएगी तुम्हें फौरन। तो बच्चों ने कहा, अब्बा जान चिंता मत करो, अभी तो आप सेहतमंद हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे, आप परेशान मत हो। एनीवे, कुछ दिनों बाद ही अब्दुल्ला जान अल्लाह को प्यारे हो गए। चल वैसे, हाँ,
सुरैया बेगम और बच्चे जो थे वो रोते धोते उन्होंने कहा अच्छा तो अब्दुल्ला जान चले गए, चलो वसीयत ढूंढते हैं। कहाँ छुपाई थी वसीयत उन्होंने? अनाज की कोठरी में। अब गए अनाज की कोठरी ढूंढने, इतने बड़े बड़े घड़े थे। क्या है? चलो खाली करो, खाली करो। कैसे खाली करते हैं? करो खाली, पलटो, खाली करो। अरे इस अनाज में तो कीड़ा पड़ गया, साफ करो, साफ करो, पकड़ो। कैसे साफ करते हैं अनाज को? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बताओ मुझे कैसे साफ करते हैं। फिर से करो करो आप जल्दी भी। चलो साफ हो गया, फिर से भर दो। वापिस रख दिया। दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, चौथा घड़ा, पांचवा घड़ा, सारे घड़े खाली हो गए। अब रुकैया बानो ने बोला तुम्हारे अब्बा जान बहुत बुद्धिमान थे, और ढूंढो कोने में पड़ा, कहाँ है वो घड़ा? जल्दी से कहें, खोलो। अरे अम्मी जान इसके अंदर कुछ है, खोला। पहले तो निकला अनाज, फिर निकला एक कागज चिपका ऐसे मोम जामे में लिपटा हुआ। खोला इतने ध्यान से था रखा कि अगर पानी भी पड़ जाए तो वो नहीं होगा खराब। अब जल्दी से बोला अहमद तुम बड़े हो, रुकैया जान ने बोला पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या लिखा है तुम्हारे अब्बा जान ने? अहमद लगा पढ़ने, ये देखो ये देखो ये निकला कागज। जब पढ़ा, अहमद मेरे पास, मेरे बच्चों रुकैया बेगम, मेरे पास एक ही मकान है और इस मकान के पूरे कागजात, पूरे का पूरा हकदार मेरी बीवी रुकैया बेगम होगी, और तुम अहमद सबसे बड़े हो, तुमको अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना है, उसकी सेहत का, उसके व्यापार का, कारोबार का, परिवार का, सब चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर सारे गांव में, परिवार में कभी भी कोई गमी, कभी कोई खुशी, किसी की मौत हो जाए, किसी की शादी हो, तो तुम्हें जरूर पहुंचना है। अहमद ने बोला अच्छा ओके। अब आई बारी मोहम्मद की। मोहम्मद को बोला तुम बीच वाले हो, तुम अपने बड़े भाई की हर बात मानोगे, अपनी माँ का ध्यान रखोगे, ठीक है। मेरा ही बारी छोटे की, मुकर्रम की। तुम मियाँ मुकर्रम सबसे छोटे हो, अपनी माँ के सबसे प्यारे बेटे हो, तुम अपनी माँ का बहुत ध्यान रखोगे और जो अपनी माँ की ख्वाहिश होगी वो तुम पूरी करोगे। अगर तुम नहीं पूरी कर सकते तो अपने भाइयों से उसको पूरा करवाओगे। क्या कराओगे? पूरा करवाओगे। किससे पूरा करवाओगे? भाइयों से। अब पढ़ते रहे, सोचते रहे, पढ़ते रहे, सोचते रहे, कहा अरे ये कोई वसीयत है, ये तो नसीहत है, ये तो ये क्या है? नसीहत है। वसीयत कहाँ है? आओ रुकैया बानो ने बोला रुको रुको परेशान मत हो, मुझे याद है उस दिन तुम्हारे अब्बा जान ने एक नहीं दो पन्ने लिखे थे। कितने पन्ने लिखे थे? दो। दूसरा पन्ना कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, देखो 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 इसके पीछे चिपका तो नहीं है। कहाँ चिपका होगा? कहाँ चिपका होगा? पीछे। कहाँ चिपका होगा? जैसे देखा, हाँ 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 माँ देखो चिपका है। निकाला, उसके पीछे एक और पन्ना चिपका हुआ था और
उसमें लिखा था मकान तो मेरी बेगम रुकैया के नाम, अब मेरे पास कितने ऊंट है, जितने भी ऊंट है उसमें से सबसे सेहतमंद ऊंट पहला मेरी बेगम को जाएगा। किसको जाएगा? बेगम को जाएगा। उसके बाद जितने ऊंट बच जाएंगे उसमें से, ये देखो ये क्या होता है, आधा, ये क्या होता है, आधे ऊंट जाएंगे बड़े बेटे अहमद को। ये भी ठीक है, अब खुश हो गया अहमद करने का। ये बिना बात वसीयत की, ये क्या था पहले, नसीहत नसीहत नसीहत। बीच वाला बेटा आया, उसने कहा मेरा क्या है, मेरा क्या है। उसने बोला तुम्हारे पास जितने ऊंट बचे हैं उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1/3 हिस्सा आया, कोई बात। अब सबसे छोटा बेटा मुकर्रम, उसने बोला हमारे पास कितना है, बोला तुमको 1/9 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब बोला चलो चलो चलो, अपने नौकर बुलाया उसको महमूद को, उसको बोला महमूद भाई जरा ऊंटों को गिनिएगा कितने हैं। हाँ जी चलो, अब मेरी हेल्प कौन करेगा, विहान करेगा, आ जाओ आ जाओ, ये बैलून छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ जी चलिए, पकड़ेंगे आप मेरे साथ, हाँ जी पकड़ो, इधर इधर सबको दिखना चाहिए, शाबाश आपकी आवाज लिया, हम काउंटिंग करेंगे बेटा। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने ऊंट है, 18। अब 18 में से एक ऊंट दे दिया मम्मी को, रुकैया बेगम को, किसको दे दिया, रुकैया बेगम को दे दिया। अब हमने कितने ऊंट देने हैं अहमद को बेटा, आप आइए, आधे ऊंट देने हैं ना, बताओ चलो आधे ऊंट करो, करो आधे ऊंट पकड़ो, और इसको आधा कर देते, आप भी कर सकते हो, करो इधर जाओ बेटा, आप साइड से पकड़ोगे, शाबाश। इधर जो फोटो खींच रहे हैं ना, वो ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा। ऐसे हम इस पर देख रहे थे, इसको मैं उल्टा कर दूं, यहाँ से मैंने पकड़ लिया, यहाँ से आधा कर दिया। चलो काम करें, कितने ऊंट बच गए अहमद के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये आधा, ये आधा ऊंट हो सकता है, नहीं, हम उनको आधा कर सकते हैं, तो मर जा, कर सकते हैं। हाँ, अहमद ने बोला मेरा हिस्सा तो बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मोहम्मद ने सोचा, उसने बोला तेरा हिस्सा नहीं बढ़ सकता, कोई बात नहीं पीछे हट, मैं अपना हिस्सा बांटता हूँ। उसने बोला ठीक है, फिर से 18 ऊंट है ना, एक ऊंट रुकैया बेगम का, अब उसको कौन सा हिस्सा चाहिए, 3रा हिस्सा। चलिए करें, 1, 2, 3, ठीक है, हाँ ये हो सकते हैं 3 हिस्से, अरे फिर से एक ऊंट आधा हो जाएगा, हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता, वो भी उदास हो गया। अब रहे छोटे वाले मुकर्रम में, आप छोटे वाले, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहला वाला ऊंट किसको देना है, विहान किसको देना है, वालिया, मम्मा, अब नौवां हिस्सा देना है, नाइंथ, सी हाफ, ओ सॉरी, नौवां हिस्सा देना है, तो हम इसको करेंगे 1, अरे बाप रे, ये हो गए 2 हिस्से,
ये हो गए चार, ये हो गए आठ, इसमें भी बड़े सारे ऊंट मर रहे हैं बेटा, नहीं हो रहा। अब सब लड़ना शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। अहमद है बोला, अरे काहे के बुद्धिमान थे मेरे अब्बा जान, बोला काहे के मां हां मम्मी अब्बा जान, मम्मी जान ने बोला, अरे अभी तो अब्बा जान को गए चार दिन हुए हैं तो लड़ना शुरू हो गए। चलो मैं अपना ऊंट तुम्हें देती हूँ। मैं अपना ऊंट किसको देती हूँ? तुम तीनों को देती हूँ। अब कितने हुए? चलो काउंट करो बच्चे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अब इसका आधा करें, करें आधा। चलो बिहान पकड़ो मेरे साथ, पकड़ो आप इधर पकड़ो, शाबाश शाबाश, आधा करो आप वॉच करना, देखना ये गलती नहीं करे, शाबाश। अरे ये कब से छूटे, बड़ा मजा आया। हाँ ये देखो इस पकड़ो वाली है, पकड़ो 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 पकड़ो, शाबाश आधे हो गए, हो गए आधे। एक मिनट एक मिनट, गिनो 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 गिनो, कितने हुए? एक दो तीन चार दो। हाँ कितने हुए शाबाश? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो अहमद को कितने मिले? कितने मिले बताओ? नौ। चलो बड़ा मजा आया, अहमद तो बड़ा खुशी से इतर आया। अब बारी आई किसकी? दूसरा बेटा कौन था? मोहम्मद। कौन था मोहम्मद? को कितना मिलना था? एक बटा तीन। अब इसको तीन भाग में बांटेंगे। चलो कौन करेगा मेरे साथ? मैं। चलो शेष आ जाओ, एक तीन। कितने भाग है इसके? देखो 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 कितने हैं, देखो एक दो तीन। चलो काउंट करते हैं हम, काउंट करो काउंट करो, शाबाश। एक दो तीन चार पाँच छः। हाँ कितने मिले? छः। किसको मिले? दूसरे बेटे मोहम्मद को। वेरी गुड विक्रम, क्लैप फॉर विक्रम, विक्रम इज राइट, विहान इज राइट। ओके अब तीसरे बेटे को चलिए, तीसरे बेटे को कौन सा हिस्सा है? एक बटा नौ। अब इसको हम जल्दी से पकड़ो, कौन हेल्प करेगा? शब पलटो ऐसे करो, अब नौ हिस्से में ऐसे। अब दो हो गए, दो ऐसे, देखो 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 अंजी करके दिखा, एक एक ये देखो, एक वन पार्ट टू पार्ट्स थ्री पार्ट्स, ये काउंट करो एक मन के साथ, फोर पार्ट्स फाइव पार्ट्स सिक्स पार्ट्स सेवन एट, ये कितने हैं? अब काउंट करो यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन पार्ट्स है ना। अब नाइन पार्ट्स में कितने आए? टू। तो मुकरम को कितने मिले? अब थोड़ी सी ना एक और कैलकुलेशंस करनी है। चलो अहमद कौन है? अहमद को कितने ऊंट मिले थे? दो। नहीं no. सबसे पहले वाले को आगे कितने थे? काउंट करो मेरे साथ, चलो शाबाश, वन टू सेवन एट नाइन। चलो ये मिले, नाइन मिले अहमद को। अच्छा मोहम्मद को कितने मिले बेटा? दो। सिक्स। छः मिले थे उसको, सिक्स। आ जाओ बिहान, सिक्स काउंट करो, वन दो तीन
चार पांच छः। अच्छा आप आइए, आप मुकर्रम बन जाइए मेरे लिए प्लीज। मुकर्रम को कितने मिले थे? दो। अच्छा चलो अब काउंट करते हैं, कितने बच गए? इधर देखो देखो देखो, आपके पास कितने हैं? नाइन। प्लीज काउंट, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन प्लस टू सेवेंटीन, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ वन। एक बच गया, वो किसका है? रुकैया बेगम का। तो रुकैया बेगम ने बोला देखो तुम्हारे अब्बा जान अब्दुल्ला बिन साद कितने थे? बुद्धिमान। बताइए ये नसीहत है या वसीहत? नसीहत। वसीहत की नसीहत। ये क्या है? वसीयत की नसीहत।